हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं परमिंदर, आपके चैनल PS प्रॉपर्टीज में आज आपके लिए गए हैं 200 गज में बहुत ही बढ़िया घर। आज का जो घर है वो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज आज वाले घर में जो है हमें घर के अंदर जो है सारा कुछ, जो हमारा फर्नीचर रहता है वो सारा कुछ इंक्लूडिंग रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही प्रीमियम रहने वाली है और जो घर के अंदर जो काम हो रखा है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही प्रीमियम मिलने वाली है। तो आज का घर 200 गज में घर रहने वाला है और बहुत ही अच्छे इंटीरियर के साथ। तो आपका घर आपको जो है आगे दिखाएंगे चल के, तो घर के देखें जी, घर के हाइलाइट्स, फिर चलते हैं जी, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये आ जाते हैं जी घर का फ्रंट एलिवेशन। अगर आप फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो प्रॉपर जो है टाइल्स लगी हुई है क्रीम एंड ब्राउन कलर में। एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो HPCL शीट्स मिल जाती है, ट्रैक लाइट्स मिल जाती हैं, स्टील प्लस ग्लास की रेलिंग मिल जाती है। तो फ्रंट एलिवेशन बहुत ही प्राइम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर हम मेन रोड की बात करें तो बाहर जो है 40 फीट की इंटरनल रोड मिलने वाली है, कार पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाहर अगर आप गेट देखेंगे तो स्लाइडिंग प्रॉपर गेट मिलने वाला है जी हमें। और घर के अंदर हमें दो गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। अगर आप पार्किंग देखेंगे तो प्रॉपर जो है दो गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। फिर जो है साथ में ही हमारी मार्केट और पार्क रहने वाला है। तो जो अगर लोकेशन देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लोकेशन रहने वाली है। ये आ जाती है जी हमारी वेलकम वॉल। प्रॉपर देखेंगे तो वॉल लैंप लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं और जो हमारी टाइल्स लगी हुई हैं। ये आ जाती है जी मेन डोर जो कि मैश डोर रहने वाला है। एंड ये आ जाता है जी हमारा मेन वुडन का डोर। तो वुडन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, स्मार्ट लॉक के साथ मिलने वाला। अंदर आ जाते हैं थोड़ी, बिकॉज ये प्रॉपर बाहर रोड रहने वाली है तो रोड के ऊपर हमारी कोठी मिल जाती है। तो जब हम एंटर करते हैं जी तो एंटर करते सारी हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया आता है। ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग प्रॉपर हो रखी है। एंड ये शैंडलियर देखेंगे, फैंस देखेंगे, जो चीज़ें हैं एज इट इज मिलने वाली है। शैंडलियर हो गया, हैवल्स के सारे ही जो है फैंस हमारे लगे हुए हैं पूरे घर के अंदर, सेम एज इट इज हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी हमारा ड्राइंग एरिया, जिसमें कि आपने देखा यहाँ पे जो है लूबर लगी हुई है। एंड यहाँ पे जो है हमारे पास जो एक डेकोरेटिव वॉल बना रखी है, ऊपर एसी की सारी फिटिंग्स हो रखी हैं। फॉल सीलिंग देखेंगे तो सारी डबल फॉल सीलिंग हो रखी है घर के अंदर। एंड इस साइड विंडो मिल जाती है, जो कर्टन्स है वो भी ऑलरेडी जो है लगे हुए हैं। सारा कुछ मैंने जैसे बताया चैनल्स वाले कर्टन जो है इंस्टॉल हुए हैं। एंड यहाँ पे आ जाते हैं जी हमारा इंटरकॉम, और ये आ जाते हैं जी डाइनिंग प्लस फैमिली लॉन्च एरिया। तो हमारा बहुत बड़ा एरिया रहने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर डाइनिंग भी लग जाएगा और एक्स्ट्रा से हमारा काउच जो रहता है वो भी लग जाएगा। और ये आ जाते हैं जी हमारा वॉलपेपर्स डबल जो है हमारे यहाँ पे एसी की फिटिंग्स हो रखी है। इसकी जो ऊपर जो कनेक्शन है, जो हमारी यूनिट है, वो सेकेंड फ्लोर पर ही सारी जो है दे रखी है। तो ये आ जाती है जी हमारी मॉडुलर किचन। अगर आप किचन देख पा रहे हैं तो प्रॉपर मॉडुलर किचन रहने वाली है। ऊपर भी फैन लगा हुआ है किचन के अंदर भी, तो प्रॉपर जो है एक्सेसरीज के साथ हमारी किचन रहने वाली है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी चिमनी रहने वाली है, हमारा 4 स्टोक जो है वॉल अटैच जो है फ्लोर अटैच हमारा होब रहने वाला है। सैनिटरी फिटिंग जो आप नीचे जो कैबिनेट देखेंगे प्रॉपर इनोटेक के साथ रहने वाले हैं। तो किचन जी फिनिशिंग है वो बहुत ही प्यारी रहने वाली है, जैगुआर की सारी ब्रांडेड बाथ फिटिंग्स हैं, इतना तक कि जो ब्लाइंड्स होते हैं हमारे वो भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जी। एंड इस साइड देखेंगे तो पेंट्री का प्रोविज़न प्रॉपर दिया हुआ है, पेंट्री भी जो बड़ी वाली पेंट्री है वो प्रॉपर लगी हुई है। एंड माइक्रोवेव ओवन प्रॉपर जो है ऑलरेडी इस अंदर घर के अंदर हमें जो है मिलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हमें इस घर के अंदर मिल जाती हैं। तो ये आ जाते हैं जी हमारा सिंक का एरिया, एंड इस साइड जो है हमारा पूजा घर रहने वाला है। अभी सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो बाकी हमारा जो है पूजा घर हम अपने अकॉर्डिंग स्पेस को यूटिलाइज यूज़ कर सकते हैं, पूजा घर बनाए या फिर हम जो है स्टोर रूम बना सकते हैं। तो ये आ जाते हैं जी हमारे बेडरूम्स, बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ हमें बेडरूम मिलने वाले हैं। ऊपर मिल जाती हैं हमें प्रॉपर जो है फॉल सीलिंग, वॉल पे वॉलपेपर, एंड इस साइड प्रॉपर फुल वॉल कपबोर्ड्स रहने वाले हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब्स मिल जाते हैं, प्रॉपर जो है फिट एंड फिनिशिंग हो गया वो बहुत ही अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे ड्रेसिंग जो है हमारा जो है लुकिंग ग्लास मिल जाता है, ड्रेसिंग टेबल रहने वाला। अगर आप वॉशरूम देखेंगे तो वॉशरूम का एक बार साइज़ देखें तो बहुत ही बढ़िया साइज़ मिलने वाला। वॉशरूम के अंदर भी फैन मिल जाता है,
एंड यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे शॉवर रहने वाला ऊपर, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉर्नर कैबिनेट्स मिल जाते हैं, इतने तक कि जो हमारे कपड़े टांगने वाले हैं टॉवल्स के लिए, वो सारा कुछ प्रोविजन एज इट इज मिल जाता है। यहाँ पे जो है हमारी आ जाता है जी वॉश बेसिन, एंड यहाँ पे जो है हमारा टच स्क्रीन वाला जो है लाइट वाला जो है लुकिंग ग्लास मिल जाता है, सारी चीजें रहने वाली है। यहाँ पे कर्टन मिलने वाले, तो प्रॉपर ऐसा नहीं कुछ हम घर लेते हैं तो एक्स्ट्रा से ये सामान लगाना पड़ेगा, सारा कुछ जो है हमें प्रॉपर मिलने वाला है जी लगा लगाया। तो ये आ जाता है जी सेकंड बेडरूम, लाइटनिंग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी लाइटनिंग है, फैन लगे हुए हैं और आई एम फिनिशिंग प्रॉपर तैयार हमारा जो है घर मिलने वाला है, तो फिनिशिंग प्रॉपर मिलने वाली है। एंड आप सर माइके का अगर कलर देखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन, तो वो प्रॉपर मिला हुआ है जी, प्रॉपर दिया हुआ है, प्रॉपर सर माइके के जो यूजेज है वो प्रॉपर की हुई है जी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, वुडन का जो काम है बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, जगाठे सारी लकड़ की रहने वाली है, एंड इनकी क्वालिटी देखेंगे, फिनिशिंग देखेंगे वो बहुत ही प्यारी मिल जाती है, एंड वॉशरूम का साइज देखेंगे वो तो बहुत ही अच्छा रहने ही वाला है। जैसे ही मैंने बताया कि ये जो हमारे ग्लास जो है लाइटनिंग वाले जो है हमारे लुकिंग ग्लास मिलने वाले हैं, सारे ही मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत ही प्रीमियम हो रखा है, ऐसे नहीं है कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज भी हमें जो है नहीं मिलने वाली इस घर के अंदर। एंड सेकंड ये आ जाते हैं जी हमारा बैक साइड वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एरिया देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर टाइल्स लगी हैं, बैक साइड प्रॉपर ग्रिल लगी हुई है, ऑलरेडी ग्रिल लगा दी है, एंड यहाँ पे देखेंगे एग्जॉस्ट हो गया, कैमराज हो गया वो ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए जी, तो सारा कुछ हमें एज इट इज मिलने वाला घर के अंदर, तो बहुत ही अच्छा घर रहने वाला है। तो फर्स्ट फ्लोर पे चल के दिखाते हैं जी ऊपर से घर हमारा कैसा मिलने वाला है। तो ये हम पहुंच चुके हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे नीचे देखा फर्स्ट फ्लोर भी बहुत ही बढ़िया हमारी मिलने वाली है, यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पे जो है आपने देख पा रहे हैं ट्रैक लाइट्स मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छी सीटिंग एरिया की स्पेस मिल जाती है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो, फिर सामने जो है हाईवे मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बड़ी रोड रहने वाली है, एंड मैश डोर ऊपर भी हमें मिल जाता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा अगर आप देखेंगे इतनी सी विंडो में भी कौन कर्टन लगाता है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर जो है हमारे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं जी। तो ऊपर आते हैं जी तो ये आ जाता है हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, जैसे कि देख पा रहे हैं ऊपर अब मिल जाती है हमें फॉल सीलिंग प्लस एलईडी लाइट्स प्लस वुडन का काम, वॉलपेपर टेक्सचर मिलने वाला है, तो वॉलपेपर की जो क्वालिटी है वो भी फाइन बहुत ही अच्छी रहने वाली है, एंड सेकेंड ऊपर जो है प्रॉपर किचन बना रखी है, बड़ी किचन मिल जाती है, डबल फैंस लगे हुए किचन के अंदर, कैबिनेट सॉफ्ट क्लोजर वाले रहने वाले हैं, किचन का यहाँ का भी अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्यारा लगाया हुआ पूरे घर के अंदर। एंड सेकंड आ जाता है जी ये हमारा जो है बेडरूम, बेडरूम का साइज देखें बहुत ही बड़ा साइज रहने वाले हैं पूरे घर के अंदर बेडरूम्स के, एंड इस रूम में सिर्फ जो है यहाँ पे हमारा बेड आएगा, जो इसका ड्रेसिंग एरिया या फिर वार्डरोब्स हैं वो सेपरेट हमें मिलने वाले हैं। तो ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, एंड यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्रॉपर वार्डरोब्स वॉकिन क्लोजेट्स, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा वॉशरूम, इस अगर वॉशरूम में देख पा रहे हैं तो सब कुछ है, हमें कुछ भी छोटी सी भी चीज़ नहीं करवाने की ज़रूरत, जैसे कि देखें ऊपर फॉल सीलिंग फैन, यहाँ पे जो है कपड़े टांगने के लिए, यहाँ पे सोप्स रखने के लिए, प्रॉपर जो हैवी ड्यूटी जैगवार की फिटिंग्स है, प्रॉपर जो है शॉवर लगा हुआ है, ऐसे की हमारी गीजर की फिटिंग्स हो रखी है, फॉल सीलिंग हुई हुई है, एलईडी लाइट्स लगी हैं, इतना तक कि जो हमारी सीट्स हैं वो प्रॉपर वॉल अटैच जैगवार की सारी जो है सीट्स रहने वाली हैं, एंड नीचे जो है हमारा टॉयलेट पेपर के लिए भी हैंडल जो है लगा रखे हैं, तो कहने का मतलब कुछ भी हमें एक्स्ट्रा से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रॉपर फोर बेडरूम रहने वाला है, शैंडलियर की लुक देखें बहुत ही अच्छी है, सारे ही ब्रांडेड जो है फैंस तक जो लगे हुए हैं वो पूरे घर के अंदर ही ब्रांडेड लगे हुए हैं, एंड ये आ जाते हैं जी हमारा फोर्थ बेडरूम, इसमें देखिए ऊपर ऊपर फाइल लाइट प्रॉपर मिल जाती हैं, वार्डरोब्स के अंदर सरमाइका प्रॉपर मिल जाता है, वॉशरूम के देखेंगे फिटिंग्स, जो हमारी वैनिटी है वो चारों जो हमारे वॉशरूम्स हैं उसमें मिलने वाली हैं, फॉल सीलिंग प्रॉपर मिलने वाली हैं, तो बहुत ही प्यारा पर्सनली मुझे ये घर लगा, आप बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा। वार्डरोब जो हमारे डोर्स हैं उसकी फिनिशिंग देखेंगे, वुडन की क्वालिटी देखेंगे वो बहुत ही अच्छी रहने वाली। तो ये आ जाता है जी एलईडी पैनल, तो पीछे दिए जी हमने सिटिंग एरिया, तो ये हमारा इस साइड सिटिंग एरिया रहने वाला है, तो यहाँ पे प्रॉपर टाइल्स लगा दी हैं जी, बहुत ही अच्छी स्पेस है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, ये पीछे से स्टेयर्स आ जाती हैं जी, तो 200 गज 30x60 के डायमेंशन पे 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है, तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए
नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।